सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान कई वक्त से पलक तिवारी को डेट करने की खबरों से काफी ज्यादा वायरल होते रहते हैं। जी हाँ, लाइमलाइट बटोरते रहते हैं। उनको लेकर के खबरें आती रहती हैं कि पलक तिवारी को वो डेट कर रहे हैं, उनके प्यार में पड़ चुके हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि पलक तिवारी से इब्राहिम का ब्रेकअप हो गया है। जी हाँ, इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी अलग हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि इस पर अब करीना कपूर खान ने रिएक्शन दिया है। जी हाँ, सौतेली माँ यानी कि इब्राहिम अली खान की सौतेली माँ ने इस पर चौंका देने वाला रिएक्शन दिया है, खुलासा किया है। देखिए, सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि कई वक्त से ये खबरें आ रही हैं कि करीना कपूर खान के सौतेले बेटे यानी कि इब्राहिम अली खान पलक तिवारी को डेट कर रहे हैं। लेकिन उनकी एक वीडियो भी सामने आई जहां पर कार में पलक और इब्राहिम ऑल इन ब्लैक में नजर आए, लेकिन उन दोनों के बीच में फाइट भी नजर आई। जी हां, और फिर दोनों ही कार से उतरकर अलग अलग चले जाते हैं। उसके बाद से ये वीडियो खूब वायरल भी हुआ और कहा जाने लगा कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है। उसके बाद से पलक तिवारी ने भी इस पर रिएक्ट किया था और पलक तिवारी ने कहा था कि वो अभी फिलहाल अपने करियर पर फोकस करना चाहती हैं, इन सब बातों के लिए उन पर टाइम नहीं है। और अब खुद इब्राहिम अली खान की सौतेली माँ यानी कि करीना कपूर खान ने इस पर रिएक्शन दिया है और उन्होंने कहा है कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, यानी कि इब्राहिम को अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। उनको पहले अपने करियर को बनाना चाहिए, अच्छा हुआ कि उनका ब्रेकअप हो गया। वेल, बता दें कि इस तरीके से अब जो करीना का रिएक्शन आया है, इसके बाद से तो मामला टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। वेल, अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में अपने सौतेले बेटे के ब्रेकअप पर और क्या कुछ करीना रिएक्शन देती हुई नजर आती है। वेल, आप बताइए कि सौतेली माँ करीना के रिएक्शन पर आपका क्या कहना है।